पॉलिसीज जो ब्रिटिश लोग भारत में थे वो तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे उनकी कुछ सोशल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों ने अपनी सामाजिक नीति नियम किस प्रकार से बनाए और किस प्रकार से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने हस्तक्षेप किया, ये हम लोग समझते हैं। टिल 1813 माने 1813 तक द ब्रिटिश फॉलोड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशियो कल्चरल मैटर्स ऑफ इंडिया। 1813 तक भारत की जो सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी रीति रिवाज चलते रहे उन पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन 1813 के बाद बट आफ्टर 1813 दे टुक एक्टिव स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट्स। लेकिन 1813 के बाद उनको लगा कि अगर भारतीय समाज में भारतीय रीति रिवाज भारतीय संस्कृति में वो अपने मुताबिक चेंज नहीं करेंगे तो भारत पर लंबे समय तक शासन करना और भारत में जो ब्रिटेन में उद्योग पनप रहा था उस उद्योग को के लिए भारत में बाजार स्थापित करना ये सब चीजें असंभव होगी। इसलिए 1813 के बाद उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया और इसके पीछे हस्तक्षेप करने का जो कारण था बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, उन्हें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने हस्तक्षेप इसीलिए किया ताकि उनका भला हो सके। अब उनका भला क्यों था और किसमें उनका भला था, पॉइंट नंबर वन देखते हैं। राइज ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ब्रिटेन में पूंजीपति वर्ग बड़े बड़े उदय हो रहे थे और उन पूंजीपतियों के दो उद्देश्य थे। पहला यह था कि मुनाफा कमाना अपना माल बेच करके और दूसरा था कच्चे माल को प्राप्त करना। इन दोनों उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने कंपनी पर दबाव डाला और कंपनी ने धीरे धीरे भारत की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से परिवर्तन किया कि ब्रिटेन से बनने वाले जो मटेरियलिस्टिक गुड्स हैं, जो फैक्ट्री से बनने वाले वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का भारत उपभोग करे। और इसके लिए जरूरी था कि हमारी जो कृषि, हमारा उद्योग, हमारी सामाजिक, हमारी रीति रिवाज थे उनको इस तरीके से परिवर्तन करना ताकि वो उनके लिए ठीक हो सके। ठीक है, दूसरा राइज ऑफ न्यू आइडियाज इन ब्रिटेन सच एज लिबरलिज्म, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा यह है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन भारत में किए गए अंग्रेजों के द्वारा वो उनका असल उद्देश्य को भारत को एक बाजार के रूप में बनाना था, भारत की संस्कृति को भौतिकवादी बनाना था, भारत के लोगों को बेरोजगार और निकम्मा बना देना था, भारत की उद्योग भारत की कृषि को बर्बाद कर देना था। लेकिन हम जानते हैं कि पुनर्जागरण जो 16वीं सदी में यूरोप में हुआ उसी के कारण उदारवाद एक विचारधारा आई और इस उदारवाद में कहा गया कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति बुद्धिमान है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से क्या उसके लिए सही क्या गलत वो जानता है। फिर मानवतावाद की फीलिंग आई कि दुनिया में सभी मानव एक समान है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। तो इस प्रकार की विचारधारा यूरोप में और ब्रिटेन में फैल रही थी। इसलिए जब दुनिया को पता चला कि ब्रिटेन किस प्रकार शोषण कर रहा है भारत का और बाकी जिन देशों को गुलाम बनाया था उनका, तो ब्रिटेन का थोड़ा सा दुनिया में जो है इज्जत कम हुई। इसलिए ब्रिटेन ने भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया दुनिया को यह दिखाने के लिए कि हम इनके वेलविशर हैं और हम इनके लिए मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम इनकी कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, हम इनकी इंडस्ट्री को आधुनिक कर रहे हैं, हम इनके एग्रीकल्चर को आधुनिक कर रहे हैं। तो ये सब बताने के लिए भी सामाजिक हस्तक्षेप जरूरी था क्योंकि पूरी दुनिया में उदारवाद और मानवतावाद जैसे सिद्धांत फल फूल रहे थे। तीसरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो ब्रिटेन में हुआ तो नीड ऑफ न्यू मार्केट्स। अब ब्रिटेन के बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उनको अब बाजार की जरूरत थी, तो बाजार बनाने के लिए भारत के सामाजिक संरचना को बदलना जरूरी था क्योंकि अगर लोग गंजे हैं तो वहां कंघी नहीं बिकेगा। तो गंजों के बाजार में कंघी बेचना, तेल बेचना, शैंपू बेचना, ये तमाम चीजों को बेचने के लिए पहले हमें वहां की सामाजिक संरचना को परिवर्तित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि गंजा होना बुरी चीज है। फिर हम नए तकनीक लाएंगे, उनके बाल उगाएंगे और जब बाल उग जाएंगे तो फिर हमारा शैंपू, कंघी और एंटी डैंड्रफ जितने आइटम है
ठीक है, गोदरेज का कलर, ये तमाम आइटम बिकने शुरू होंगे। ठीक है, तो पहले सामाजिक संरचना को परिवर्तन करना जरूरी है। तो नए बाजार की तलाश थी और रॉ मटेरियल भी चाहिए था, तो रॉ मटेरियल भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। इन दोनों के लिए जरूरी है कि जिन देशों को गुलाम बनाया गया उनकी सामाजिक संरचना में परिवर्तन किया जाए। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को भी फैलाना था, और ईसाइयत तो एक मेटलिस्टिक रिलीजन है, तो जब तक हमारे समाज में जो कि स्पिरिचुअल समाज है भारत, उसमें जब तक हम मटेरियलिज्म नहीं लाएंगे, क्रिश्चियनिटी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, राइस रूल इन इंडिया, और सबसे बड़ा कारण भारत की सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने का यह था कि उन्होंने मन बना लिया था कि भारत को तो शासन करना है, और जब भारत पे शासन करना है तो अंग्रेज तो विदेशी है, जब वो अपने रीति रिवाज हमारे ऊपर लगाएंगे तभी तो शासन कर पाएंगे, हमारे रीति रिवाज से अगर वो शासन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी मामलों में अपने नियम लगाए, अपने हिसाब से भारत को बदलने की कोशिश की ताकि उनको भारत में शासन करना आसान हो सके। तो ये तमाम सोशल पॉलिसीज उन्होंने लाया। अब इन सोशल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए इट नीडेड टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी इन देयर ओन वे, उनको अपने हिसाब से भारत को बदलना था, हमारे हिसाब से नहीं। जैसे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए भारत में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई, इन धार्मिक नीतियों से भारत में न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चोरी चकारी जितने भी प्रकार के अपराध है उन अपराधों के लिए एक समान कानून बनेंगे और सबको एक समान न्याय मिलेगा, रूल ऑफ लॉ, कानून की स्थापना, न्याय की स्थापना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी उन्होंने लाया जो उनकी जरूरत को सूट करता था। मार्केट, भारत में नए नए बाजार बनाने की काम किए इन्होंने। वर्क फोर्स, हमारे यहाँ के जो कामगार लोग थे उनको भी उन्होंने बदलने की कोशिश की। कैसे बदलने की कोशिश की, हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर किसान थे उनको पहले किराएदार का किसान बना दिया, फिर उनको मजदूर बना दिया, फिर उनको बेगार बना दिया। ठीक है, फिर बाद में अपनी मिल और अपनी फैक्ट्री में वो काम देने लगे उनको। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के वर्क फोर्स की संरचना को भी बदल दिया, और जब उनसे पूछा गया भैया ये हम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, यही तो आधुनिकीकरण है भारत की। ठीक है, नकदी फसल उगाओ, खाद्यान्न फसल की जगह नकदी फसल उगाओ, कुटीर उद्योग की जगह बड़े बड़े कारखानों में उद्योग लगाओ, भारत के बने हुए कपड़े और सामान की जगह पर ब्रिटेन से बने हुए सामानों का उपयोग करो। ठीक है, रेल बनाया, तार बिछाया, तमाम प्रकार की व्यवस्था उन्होंने किया, बोले आधुनिकीकरण किया जा रहा है भारत का। दे टुक फॉलोइंग सोशियो कल्चरल स्टेप्स, अब उन्होंने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे कैसे परिवर्तन किया, पीछे के सारे वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ के मैं यहां नाम लिख देता हूं। पहला एक डुअल रूल या डायार्की इन बंगाल, वैसे तो ये इकोनॉमिक स्टेप है, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, लेकिन इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, वो मैं आपको जब डायार्की पढ़ाया था बंगाल में द्वैध शासन, तो वहां मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा खोला कलकत्ता में, और उस मदरसे में जो मुस्लिम भाई हैं उनको अरबी में शिक्षा दी जाती थी। 1791 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संस्कृत स्कूल खोला बनारस में, इसको हालांकि स्थापना किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा, और संस्कृत स्कूल बनारस में खोला गया, और इन दोनों जगहों पर वास्तव में उनका उद्देश्य था कि इन संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेज धीरे धीरे अरबी और संस्कृत का ज्ञान खुद ले सके। फिर इन दोनों का जब ज्ञान हो गया तो भारतीय साहित्यों का ट्रांसलेशन करवाने के लिए एक संस्था खोली गई वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, और इसका काम क्या था, इसका काम यही था कि भारत के विभिन्न साहित्यों का जो अरबी में था, संस्कृत में था और भी कई भाषाओं में था, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके भारत की संरचना को समझना। इसी समय गीता, भगवत गीता, कालिदास के बहुत सारे ग्रंथों का जो है ट्रांसलेशन भी भारत में किया गया। फिर सब्सिडरी अलायंस लाया गया 1798 में, चार्टर एक्ट 1813, इन सब में क्या क्या सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप बढ़ा, ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, है ना। सब्सिडरी अलायंस लाने से क्या हुआ, हमारे राजा महाराजा सारे क्या हो गए, इनके गुलाम हो गए। अब जब राजा महाराजा या अंग्रेजों के गुलाम हो गए तो जो राजा के अंडर में विभिन्न प्रकार के कलाकार, कृषक और व्यापारी और गवैया नशैया बहुत प्रकार के जो लोग राजा के डिपेंडेंट रहते थे वो सब बेरोजगार हो गए, उनकी कला का पतन हो गया। ठीक है, ऐसे तमाम पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैकाले माइन्यूट 1813 में भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान था। ठीक है,
खर्च किया गया, लेकिन ज्यादातर अंग्रेजी शिक्षा के लिए खर्च किया गया। मैकाले माइन्यूट, मैकाले का निर्णय 1835 में आया था, जिसमें अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया था हायर एजुकेशन में। फिर बुडगर्ड स्पेच आया, ये तमाम चीजें हम समझ चुके हैं। रिमूवल ऑफ सोशल एबल्स, विलियम बेंटिक और उसके पहले कई लोगों ने भारत की सामाजिक जो बुराइयां थी, पर्दा प्रथा थी, नरबलि प्रथा थी, बाल विवाह था, दहेज था, इन तमाम बुराइयों को दूर किया, क्योंकि बिना इनको दूर करे भारत में उनके हिसाब से आधुनिकता नहीं आ सकती थी। और जब तक भारत में उनके हिसाब से आधुनिकता नहीं आएगी, भारत एक भौतिकवादी देश नहीं बनेगा। उनको कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उनको बड़ा से बड़ा बाजार चाहिए, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ये तमाम उनके कदम थे जो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाता है, ठीक है। कुछ एक नोट्स देखते हैं। विदाउट इट्स कॉलोनीज द यूके वुड हैव बीन अ थर्ड रेटेड पावर, ये एक स्टेटमेंट है, कभी मेंस में आ सकता है आंसर लिखने के लिए। आपको यहां पर यह समझना है कि ब्रिटेन ने दुनिया के लगभग 60 देशों को एक तरीके से अपना गुलाम बनाया। ब्रिटेन की आज जो तरक्की है, और उस समय भी ब्रिटेन ने जो तरक्की की थी, वो केवल और केवल देशों को गुलाम बनाने के कारण किया था। और अगर ब्रिटेन के पास अपने गुलाम नहीं होते, अपने उपनिवेश नहीं होते, अर्थात कॉलोनीज नहीं होते, तो ब्रिटेन आज दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता, थर्ड रेटेड पावर होता, नेपाल भूटान जैसे देश होता, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, अगर आपको आए कि व्याख्या कीजिए तो आप व्याख्या कर देना। और मैं आपको इंडिया के संदर्भ में तो बता ही चुका हूं कि ब्रिटेन में जो पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो भारत से लूट लूट के जो पैसा ले जाया गया, उसी के कारण वहां के पूंजीपतियों के पास इतना हिम्मत आया, इतना पैसा आया कि उन्होंने रिस्क लिया, औद्योगिक क्रांति के लिए बड़े बड़े निवेश किए, ठीक है। तो इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने भारत को लूटा है, उस प्रकार दुनिया के उन्होंने हर देश जिनको गुलाम बनाया है, उनके रॉ मटेरियल को लूटा है, वहां की जनता को लूटा है, वहां पर भारी टैक्स लगाया है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, विभिन्न समय में भारत में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में कितने प्रतिशत लोग इंगेज थे, हम लोग देखते हैं। और इस आंकड़े को देखेंगे तो 1891 में भारत में 61% लोग कृषि करते थे, 29% लोग इंडस्ट्री में थे, और लगभग 10% लोग और भी विभिन्न प्रकार के कला इत्यादि कार्यों में थे। 1911 में कृषि में 72% लोग, इंडस्ट्री में 6% लोग, 21 में 74% और इंडस्ट्री में 5%, और 1951 में यानी आजादी के बाद भारत में 81% लोग कृषि पर आश्रित थे और इंडस्ट्री पर 12% लोग। ये आंकड़े हमें ये दिखाता है कि अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो 1891 से लेकर के नीचे 1951 तक लगातार एग्रीकल्चर में लोगों का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ये क्यों हुआ? ये अंग्रेजों की नीतियों के कारण। भारत में कृषि और उद्योग साथ साथ चलते थे और कृषि और उद्योग का एक बहुत बड़ा जुड़ाव था, लेकिन अंग्रेजों ने कृषि और उद्योग के जुड़ाव को खत्म कर दिया, और वे लोग जो पहले थोड़े बड़े कुछ उद्योग करते थे वो भी कृषक बन गए। फिर कृषक जमींदारों के यहां किराए पर कृषक बन गए, यानी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कृषि करने के लिए मजबूर हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ 1891 में भारत में उद्योग 29% था, माने 29% लोग कृषि उद्योग में थे। अंग्रेजों की नीतियों के कारण कैसे उन्होंने भारत के उद्योगों को खत्म किया, इस आंकड़े से पता चलता है। 1911 में 29% की जगह केवल 6% लोग कहां आ गए, 6% जो लोग हैं वो आ गए इंडस्ट्री में, यानी 29 से घटकर 6% हो गए। तो बाकी के जो लोग बचे 23% लोग, उनमें से कुछ लोग तो बेकार हो गए, कुछ ने आत्महत्या कर लिया, कुछ मर गए, कुछ जो बचे हुए एग्रीकल्चर में आ गए, ठीक है। उसी प्रकार 1921 में ये 6% भी घट के 5% हो गया। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत में कृषि को बढ़ावा दिया, और कृषि में भी किनको, कैश क्रॉप्स को, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास, नील, ऐसे फसलों को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो फसल जब उपजाते थे तो उनको कच्चा माल के रूप में इंग्लैंड ले जाते थे और वहां से फिनिश फूड्स बना के फिर हमें वापस भेजते थे। तो यहां पर कृषि में आंकड़ा बढ़ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत आर्थिक रूप से या खाद्यान्न से फुलफिल हो रहा है, उसकी पूरी हो रही है जरूरत, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने कैश क्रॉप्स उपजाया और कृषि में लोगों का पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, इसके बावजूद भारत में अकाल पड़ रही थी, इसके बावजूद भारत के किसानों के पास भर पेट खाने को भोजन नहीं था।
और इंडस्ट्री को कैसे उन्होंने खत्म किया, इस आंकड़ों से पता चलता है 29% घटकर के 6%, फिर 5%, और बाद में ये जो 1991 में आपको 12% दिख रहा है, ये थोड़े से आधुनिक उद्योग अंग्रेजों ने जो लगाए थे ये उसके कारण है, लेकिन उसमें भी अंग्रेज लोग मजदूरों का हद से ज्यादा शोषण करते थे। भले ही लोगों का परसेंटेज वहां पर बढ़ा है, लेकिन उनका कल्याण वहां नहीं हुआ। एरिया अंडर नॉन फूड क्रॉप्स इंक्रीज फ्रॉम 1891 टू 1922 बाय 43%। 1891 से 1921 के बीच में नकदी फसल उपजाने की का जो एरिया था वो 43% बढ़ा। यानी भारत पहले खाद्यान्न पदार्थ ज्यादा करता था, कैश क्रॉप्स कम करता था। अंग्रेजों के को कैश क्रॉप्स में फायदा था, तो वो कैश क्रॉप्स उपजाते थे हमारे यहाँ और खाद्यान्न पदार्थ नहीं उपजाते थे, ठीक है। तो 1891 से 1921 के बीच में 43% कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा, यानी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन घटा होगा। एंड लैंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन बाय 7% एट द सेम टाइम, और इसी टाइम पीरियड में लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो 7% कम हो गई, क्योंकि अंग्रेज किसानों से केवल और केवल उत्पादन करवाते थे, भूमि की उत्पादकता पर, उस पर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करना, उस पर प्रॉपर सिंचाई करना, ये तमाम चीजों पर अंग्रेज कभी ध्यान नहीं देते थे, और किसान खुद नहीं दे पाता था क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अंग्रेजों ने भारत में भारी निवेश किया। उसके पीछे कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन लड़ाई लड़ रहा था जर्मनी के साथ। अब ब्रिटेन की वहां की जो सेना की जरूरत थी, वहां के लोगों की जरूरत थी, और उस समय ब्रिटेन में उत्पादन तो होगा नहीं, ठीक है, या उत्पादन होगा तो काय का होगा, ज्यादा से ज्यादा आर्म्स, एम्यूनिशन, हथियार, गोला बारूद, ऐसे चीजों का उत्पादन हो रहा था ब्रिटेन में जो युद्ध में काम आएगा। समझ आने का, उन मजदूरों को भी जो बाकी चीज उत्पादन करते थे, कपड़ा बनाते थे, जूता बनाते थे, उनको भी हथियार बनाने के कारखानों में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन को उस समय हथियार चाहिए, लेकिन उसको कपड़े कहां से मिलेगा, उसको जूता कहां से मिलेगा, उसको बाकी चीजें कहां से मिलेगा, उसके लिए उन्होंने भारत में फैक्ट्री खोली, भारत के मजदूरों को सस्ता श्रम लगा दे करके, सस्ता मजदूर जो वेज है, सस्ते वेज में उन्होंने काम करवाया, और यहां से कपड़ा बनवाया, यहां से जूता बनवाया, यहां से कुछ गोले बारूद भी बनवाए, और तमाम चीजें भारत से प्रोडक्शन करके वो फिर ब्रिटेन ले जाते थे, ताकि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को किसी भी चीज की जो कमी है वो ना हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से खाने पीने की विभिन्न प्रकार की चीजें भारत में बनवाने के लिए उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया। अब इस इन्वेस्टमेंट को भी लोग कहते हैं आधुनिकीकरण। अरे भैया, प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता, तुम्हारी जरूरत नहीं होती, तो हम काय भारत में फैक्ट्री लगाते, ठीक है, ये तमाम बात। इंडिया फेस्ड कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में तो औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति माने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन, और कॉमर्शियल रेवोल्यूशन माने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का कंजप्शन, ठीक है। तो अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो भारत में कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब अब ब्रिटेन की तरह तरह के बने हुए चीज भारत में आकर के बेचे जाते थे, और भारत जो पहले एक समय में खुद प्रोड्यूसर हुआ करता था, अब केवल कंज्यूमर बन के रह गया, ठीक है। तो इसको कंज्यूमर रेवोल्यूशन या कॉमर्शियल रेवोल्यूशन कहा जाएगा, जो कि भारत में हुआ, ये एक नेगेटिव चीज है। दुनिया में कहीं पर भी कंज्यूमर या कॉमर्शियल रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छी बात है, क्योंकि तरह तरह की चीजों का उत्पादन करोगे, और कंज्यूमर माने तरह तरह की चीजों का उपभोग करोगे, पैरासाइट बनोगे, ठीक है। चलिए अगली बार, बिटवीन 1891 से 1921 के बीच में जो 30 साल का समय है, इस 30 साल में बेस इंक्रीज बाय 32%, मजदूरों का जो वेतन था वो 32% बढ़ा, केवल 32% बढ़ा 30 साल में 32%, यानी 1% साल के आसपास समझ लीजिए, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 18% और महंगाई 18% बढ़ी। तो यदि 32% जो बढ़ा उसका, उसमें से 18 माइनस कर दें, तो वास्तव में जो मजदूरी बढ़ी 30 सालों में वो कितनी बढ़ी, 14%, केवल 14%, ठीक है। तो इस इतना मजदूरी में वृद्धि इतनी कम की गई थी, कम से कम मजदूरी देते थे और वो मजदूरी बढ़ाते भी नहीं थे, तो ये आंकड़े बताते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं, अंडर फेड हाउस्ड लाइक एनिमल्स विदाउट लाइट एंड एयर एंड वाटर
द इंडियन वर्कर्स इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ऑफ ऑल। एक अंग्रेज ने जो भारत में के कल कारखानों में जो अंग्रेज लगाए थे उसमें भारतीय मजदूर कैसे काम करते उसको देखने के बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत के मजदूर कैसे होते हैं, अनफेड, भूखे पेट, हाउस्ड लाइक एनिमल्स। इनको रहने के लिए जो जगह दिया जाता है और जिन कारखानों में ये प्रोडक्शन करते हैं वो ऐसा जगह है जहां जानवर भी नहीं रहता, विदाउट लाइट, वहां लाइट नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, सफोकेशन का माहौल है, तमाम व्यवस्था। The Indian workers is one of the most exploited of all। और उसको देख के, इस परिस्थिति को देख के उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण यदि कहीं हो रहा है मजदूरों का तो वो भारतीय मजदूरों का हो रहा है। टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अंग्रेजों ने विकास के दो अलग अलग सिद्धांत अपनाए थे। पहला था ब्रिटेन में उनका विकास का मॉडल अलग था और भारत में विकास का मॉडल अलग था। भारत में जिसको वो विकास कहते थे वास्तव में वो शोषण था और ब्रिटेन में जिसको विकास कहते थे वास्तव में वो विकास था। तो उनके विकास का जो पैमाना है, पैरामीटर है डेवलपमेंट का, वो ब्रिटेन में अलग था और भारत में अलग था। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हराम करो, तुम लोग हमेशा हमारे लिए अनब्रिटिश रहोगे और हमको अनब्रिटिश समझोगे, ठीक है, क्योंकि तुम दोगली नीति अपनाती हो। तुम्हारे लिए विकास का मतलब ब्रिटेन में अलग है और भारत में अलग है, जबकि हमको कह चुके हो कि हम तुम्हारे नागरिक हैं, तो फिर अलग विकास का पैमाना कैसे हो सकता है, ठीक है। अब इन तमाम शोषणकारी नीतियों के कारण अंग्रेजों की, जो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में किया, सामाजिक क्षेत्र में किया, राजनीतिक क्षेत्रों में किया, भारत में विद्रोह होने शुरू होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अर्ली अपराइजिंग्स या रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश। भारत में सबसे बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ 1857। तो हम यहां 1857 से पहले, 1857 के पहले भारत में 300 से ज्यादा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुए। कुछ बंगाल में, कुछ बिहार में, कुछ उड़ीसा में, कुछ दक्षिण भारत में, कुछ गुजरात में, कुछ कहीं पूरे भारत में जगह जगह जहां जहां ये अरबपुर शासन करते थे, जहां जहां इन्होंने शोषण किया, वहां वहां भारत में स्थानीय लोगों ने इनके शोषणकारी नीतियों के चलते विद्रोह किया। इसी विद्रोह को हम लोग कहेंगे अर्ली अपराइजिंग या रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। अपराइजिंग माने वो दंगा फसाद, असंतोष। जब अपराइजिंग की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको रिवोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो अर्ली अपराइजिंग या रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश यानी 1857 के पहले भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया, हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके पहले एक दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ब्रीड्स कंटेंप्ट। लेनिन का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि शोषण नाफरमानी को जन्म देता है, ठीक है, अवमानना को जन्म देता है। माने आपके आदेश, आपके कानून, आपकी व्यवस्था, आपकी रीति रिवाज को हम ना माने, इस बात को जन्म देता है यदि आप किसी का शोषण करते हैं। तो भारत में जो विद्रोह हुए ये इसी बात का परिणाम है कि आपने हमारा शोषण किया है इसलिए हम आपके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखें। रियल पॉलिटिक्स बिगिंस वेयर द मासेस आर। लेकिन का दूसरा स्टेटमेंट है कि सच्ची क्रांति और सच्ची राजनीति वहीं से शुरू होती है जहां लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। भारत में जो 300 से ज्यादा विद्रोह 1857 के पहले किया गया अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों द्वारा, वे असफल थे, सबके सब असफल थे। माइन्यूट सफलता, 1-2% सफलता कहीं मिली होगी तो मिली होगी। ओवरऑल वो सब के सब विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिए, कुचल दिए, लोगों को मार डाला, असफल हो गए। उसके पीछे का कारण यही था कि वो रीजनल थे। रीजनल माने छोटे छोटे इलाकों पर 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग ज्यादा से ज्यादा इतने लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते थे, तो मास पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट है, रियल पॉलिटिक्स बिगन वेयर द मासेस आर। मासेस माने बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तभी राजनीति की शुरुआत होती है, और भारत में ये हुआ 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद। यानी 1885 के पहले तक भारत में रियल पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं हुई थी। ये भी एक लेनिन का स्टेटमेंट है। और इसलिए हमारे सारे विद्रोह, यहां तक कि 1857 का विद्रोह जो बहुत बड़ा विद्रोह था, इसके बावजूद भी वो असफल हुआ क्योंकि उसमें मास पार्टिसिपेशन बहुत सीमित था। नंबर्स काउंट इन हिस्ट्री, बिल्कुल सही, ये भी बताता है कि इतिहास में संख्या का बड़ा महत्व है। जिस विद्रोह में, जिस क्रांति में, जिस विरोध में जितने ज्यादा लोग होंगे उसकी सफलता के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। हायर द नंबर ऑफ पीपल इन एनी टाइप ऑफ एजिटेशन, इन एनी टाइप ऑफ रिवोल्ट और एनी टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन, द हायर द चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। व्हेन यू आर अनफेड रिवोल्ट, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है कि जब आप भूखे हैं तो विद्रोह कीजिए। किसके खिलाफ?
वो जिनके कारण आप भूखे, जिन्होंने आपका शोषण किया है, उनके खिलाफ विद्रोह कर दीजिए। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं सब बातों के हिसाब से भारतीय लोगों की जब सहन शक्ति हद से ज्यादा हो गई, तो उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया, जिसकी जो सबसे बड़ा जो विद्रोह 1857 का हुआ, ये छोटे छोटे कई विद्रोहों का एक बहुत बड़ा परिणाम था। टॉलरेशन ऑफ इनजस्टिस इज इन इटसेल्फ इनजस्टिस, अन्याय को सहना अपने आप में अन्याय है, आचार्य चाणक्य का ये कथन है। तो कुल मिलाकर ये स्टेटमेंट सब बताते हैं कि विद्रोह क्यों होता है, विद्रोह के क्या कारण होते हैं, इन कारणों के कारण विद्रोह, ठीक है। अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुए, उनके और भी कुछ कारण थे, हम देख लेते क्या कारण थे। सारे कारण मैं पहले समझा चुका हूं, यहां फटाफट समझ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कारण ये था कि भारत की जनता, भारत के जमींदार, भारत के राजा, भारत के महाराजा, भारत के उद्योगपति, भारत के कृषक, सबका भारत जो अंग्रेज लोग हैं वो शोषण कर रहे थे, ठीक है, आर्थिक शोषण कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, पिछले वीडियो में लोगों ने सब देख लिया। सोशियो कल्चरल इंटरफेरेंसेस, हमारी सामाजिक संस्कृति पर वो उनका हस्तक्षेप हो रहा था, सती प्रथा को खत्म कर रहे थे, या जो भी हमारे यहाँ की कुरीतियां थी, हमारे यहाँ के लोगों को तीर्थ यात्रा जाना बंद करवा दिया था, फकीरों को आजू बाजू घूमना बंद कर दिया था, फकीरों को भिखमंगे कहते थे, ठीक है, जबकि हमारी संस्कृति है, ठीक है, कि फकीर लोग, सन्यासी लोग, ये सब तमाम लोग जो है भिक्षावृत्ति करते हैं, कुछ गीत गजल सुनाते रहते हैं, ये तमाम बातें। तो इस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक मामलों पर हस्तक्षेप किया, इससे भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए और उन्होंने विद्रोह किया। लोकल एजेंट्स, अंग्रेजों ने अपने कुछ लोकल एजेंट्स बना रखे थे भारत में, जैसे जमींदार, मनी लेंडर माने साहूकार, प्रिंसेस, कुछ राजा महाराजा भी अंग्रेजों के चाटुकार थे। ये लोग क्या करते थे, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा शोषण करते थे भारतीय लोगों पर, ये अपने आप को अंग्रेजों का बाप समझते थे, और अंग्रेजों की लॉयल और अंग्रेजों के जैसा दिखने के लिए ये शोषण करना ही सबसे महान समझते थे, ठीक है। तो इनके कारण भी परेशान होकर के लोगों ने विद्रोह किया। अनसिंपैथेटिक एंड अनब्रिटिश रूल, अंग्रेजों ने जो भारत में शासन किया वो अनसिंपैथेटिक था, कोई सहानुभूति नहीं थी भारतीय लोगों के साथ, और अनब्रिटिश रूल था। वेरियस पॉलिसीज, इसके अलावा अंग्रेजों ने कई प्रकार की नीतियां बनाई, जैसे द्वैत शासन बनाया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाया, इंडियन सिविल सर्विस लाया, सब्सिडरी अलायंस लाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लाया। इन तमाम नीतियों का जो भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तमाम मामलों में जो फर्क पड़ा, जो असर पड़ा, जिसके कारण भारत को लगा कि हमारे धार्मिक मामलों पर, हमारे धर्म पर खतरा है, हमारे जीवन पर खतरा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी कृषि, हमारे उद्योग, हमारे रहन सहन, हमारे बाल बच्चे, हमारी आबरू पर खतरा है, तब जाकर के लोगों को लगा कि कुछ कदम उठाने चाहिए। तब लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह करना प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति द लास्ट स्ट्रोक ऑफ विच वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उनको समझने से पहले हमको ये छोटे छोटे विद्रोह समझने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। बिफोर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 नियरली 300 रीजनल रिवोल्ट्स टुक प्लेस। 1857 के विद्रोह के पहले भारत में लगभग 300 विद्रोह हुए अलग अलग जगह पर, कुछ बंगाल में, कुछ साउथ इंडिया में, कुछ बिहार में, कुछ उड़ीसा में, ठीक, कुछ महाराष्ट्र में, तो अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुए। और ये जो विद्रोह थे, विच कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, इन सारे विद्रोहों को, जो 300 से अधिक विद्रोह हुए, हम उनमें से कुछ खास खास को देखेंगे और उनको कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत देखेंगे। जैसे कैपिटल ए में हम लोग देखेंगे पॉलिटिको रिलीजियस अपराइजिंग, माने ऐसे विद्रोह जो राजनीतिक धार्मिक चरित्र का था, ठीक है। तो इस प्रकार के फिर देखेंगे कुछ इकोनॉमिक रिवोल्ट वगैरह देखेंगे, यानी जिनके कारण पॉलिटिकल या रिलीजियस थे, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। उसमें से पहला विद्रोह है फकीर विद्रोह, फकीर अपराइजिंग, ठीक है। अब फकीर, हालांकि हम लोग इसको मैंने पहले लिख दिया है, लेकिन आप लोग जब नोट्स बनाइए तो पहला रिवोल्ट लिखिए आप इसको, और इसको लिखिए दूसरा। क्रोनोलॉजी आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासी विद्रोह, अच्छा, हर विद्रोह के बारे में आपको तीन चार बातें जाननी है। पहला आपको जानना है ये विद्रोह कब हुआ था, टाइम पीरियड जानना है। दूसरा जानना है कहां हुआ था, प्लेस जानना है कहां हुआ था। तीसरा, उसका कारण यदि कुछ यूनिक है तो जानना है, और ऐसे ही तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली कारण क्या होगा, वही शोषण होगा, कारण किसी ना किसी प्रकार से शोषण किया होगा। यदि कोई यूनिक कारण है तो मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। और चौथी बात याद रखनी है कि उस रिवोल्ट का लीडर कौन था, ठीक है। ये चार बातें आपको हर रिवोल्ट में जाननी है, ठीक। चलिए, तो पहला रिवोल्ट हम लोग देखेंगे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी अपराइजिंग। ये 1770 में शुरू हो गया था, और 1820 में
ये विद्रोह जाकर के फाइनली खत्म हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और हार गए थे। सारे विद्रोह में अंग्रेजी जीते, ठीक है। उस विद्रोह का हमें कोई फल नहीं मिला है, बल्कि हमारे उन लोगों ने जो विद्रोह किए वो मरे गए। और कहां हुआ? बंगाल में हुआ। सन्यासी कौन है? सन्यासी भारत में वे लोग हैं जो अपना घर द्वार छोड़ करके प्रभु की भक्ति में और जंगल में चले जाते हैं, या समाज में ही रहते हैं लेकिन अपना परिवार के साथ में नहीं रहते, भिक्षा वृत्ति करते हैं, उपदेश देते भागते हैं, ठीक है। ये लोग सन्यासी कहलाते हैं, ठीक। अब ये जो सन्यासी है, भारत में इन सन्यासियों की बड़ी इज्जत, ठीक है। अंग्रेजों के बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के पहले तक ये सन्यासी भारत वहां पर बंगाल में रहते थे और ये घर घर भिक्षा मांगते थे। इनको लोग दान धर्म भी किया करते थे। ये अपनी मर्जी से कहीं भी तीर्थ यात्रा में चले जाते थे, धर्मशाला बने हुए थे, रहते थे। लेकिन 1757 के बाद अंग्रेजों ने जब शासन संभाला बंगाल का, तो उन्होंने इन सन्यासियों को लुटेरा कहना शुरू कर दिया। ये लुटेरे हैं, ये धोखेबाज हैं, ये जिप्सी हैं, ऐसे तमाम लूटपटांग नामों से इनको बुलाना शुरू किया। इनको तीर्थ यात्रा करना बंद कर दिया, इनको जो दान धर्म मिलता था वो बंद कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो पहले के जमींदार हुआ करते थे, अंग्रेजों के पहले के जमींदार, ठीक है, वो थोड़े रहम दिल वाले होते थे, तो वो भी कई प्रकार से दान धर्म करते थे इनको। लेकिन अंग्रेजों ने जो जमींदार बनाया, आधुनिक जमींदार, वो खुद अंग्रेजों के चंगुल में इतना फंसे हुए थे कि उनके पास खुद इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन दान इनको दान धर्म कर पाए। तो कुल मिलाकर के इनकी जो परंपरागत व्यवस्था थी दान लेने की, जगह जगह घूम करके तीर्थ यात्रा करने की, भिक्षा वृत्ति करने की, ये तमाम आदतों पर अंग्रेजों ने बंदिश लगा दिया। इन कारणों से इन्होंने परेशान होकर के अल्टीमेटली इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है आनंद मठ, उसमें मिलता है। यह आनंद मठ किताब पब्लिश हुआ था 1882 में, 1882 में। और इसी आनंद मठ किताब में वंदे मातरम गीत लिखा हुआ है, ठीक है। तो वंदे मातरम गीत भी आनंद मठ से लिखा लिया है, और आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। ब्रिटिश कॉल्ड, ब्रिटिश जो भारतीय सन्यासी थे उनको बोलते थे जिप्सी ऑफ हिंदुस्तान, जिप्सी माने घुमंतू, ठीक है। तो उपटांग नामों से लुटेरे भी बोलते थे, ठग भी बोलते थे, डकैत बोलते थे, कई गलत नामों से पुकारा जाता था, ठीक है। अच्छा, ये जो सन्यासी थे जिन्होंने विद्रोह किया था, ये दसनामी सेक्ट, एक दसनामी परंपरा मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। एक दसनामी संप्रदाय के सन्यासी थे ये, जिनमें कुछ लोग नागा साधु भी होते थे और कुछ लोग, मतलब नागा माने न्यूड साधु भी होते थे, कुछ नॉन न्यूड होते थे। और इस दसनामी सेक्ट को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मधुसूदन सरस्वती, इन्होंने ये दसनामी सेक्ट बनाया था। इन्हीं सन्यासियों ने विद्रोह किया था, ठीक है। जब ये विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह का जो लीडर था वो था भवानी पाठक, जो वास्तव में एक लुटेरा था, लेकिन बाद में वो साधु संतों की संगत में आके सुधर गया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व भवानी पाठक ने किया था। भवानी पाठक को बाद में पकड़ के मार दिया गया था। फिर देवी चौधरानी ने जो है इसका, जो उनकी भांजी थी रविंद्रनाथ टैगोर की, उन्होंने इस विद्रोह का की अगुवाई की थी। और ये फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ इंडिया है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला विद्रोह है। तो सन्यासी विद्रोह समझ गए। अब दूसरा हम देखते हैं फकीर विद्रोह। तो जो सन्यासी हिंदी में है वही फकीर है अंग्रेजी में, सॉरी उर्दू में। तो जो मुस्लिम संत थे उनको फकीर कहा जाता था, ये हिंदू संत थे सन्यासी, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हिंदू संतों ने किया, उसके बाद मुस्लिम संतों ने किया। ये जो फकीर विद्रोह है ये 1776 से 1777 तक चला, ये भी बंगाल में चला। तो ये फकीर कौन है? मुस्लिम संत, ये भी घुमंतु होते थे, सूफी संत, ठीक है, सूफी संत थे। और इनका लीडर था मजनून शाह या मजनू शाह भी कहते, ठीक है, मजनू शाह या मजनू शाह। फिर ये इनको भी पकड़ के अंग्रेजों ने मार डाला। तो उसके बाद इनके भाई चिराग अली शाह ने इसका, इस रिवोल्ट का जो है नेतृत्व किया। ये जो फकीर थे ये मदरसिया, मदरिया फकीर थे। मदरिया एक सेक्ट है सूफी का, तो सूफी संत थे एक प्रकार के। तो सूफी के अंदर कई सेक्ट थे, उनमें से एक है मदरिया सेक्ट, तो ये उस सेक्ट के फकीर थे। रेस्ट्रिक्शन बाय ब्रिटिश लाइक कलेक्टिंग आर्म्स एंड कंसीडरिंग देम थग्स। अब इन्होंने क्या विद्रोह किया? वही कारण जो सन्यासियों का था, वही कारण इनका था। इनको भी अपने तीर्थ स्थान घूमने जाने से मना किया गया, इनको भी जो समाज से दान धर्म मिलता था उस पर रोक टोक लगाई गई, और इनको ये लोग ठग कहते थे, ठीक है। इन तमाम कारणों से फकीरों ने और सन्यासियों ने विद्रोह किया। कुछ और विद्रोह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक धन्यवाद।